महाराष्ट्र में गहरा सियासी विवाद, शरद पवार से मिले शिवसेना के नेता संजय राउत। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर जारी है रस्साकशी, राज्यपाल से मिले शिवसेना के सारे विधायक। राज्यपाल से मुलाकात को शिवसेना ने बताया औपचारिक, आदित्य ठाकरे बोले किसानों की मदद की लगाई गुहार। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधानसभा में विधायक दल का नेता चुना, आदित्य ठाकरे ने रखा था प्रस्ताव। बीजेपी शिवसेना में बढ़ी तल्खी, उद्धव ठाकरे बोले जो तय हुआ वही लेंगे, उससे कम बिल्कुल नहीं। मुंबई में आदित्य ठाकरे के समर्थन में फिर लगे पोस्टर, बीएमसी कर्मचारियों ने हटाया पोस्टर, पर आदित्य को बताया गया था महाराष्ट्र का भावी सीएम। कांग्रेस के नेताओं ने भी आज शरद पवार से की मीटिंग, सूत्रों के माने तो कल सोनिया गांधी से मिल सकते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता। मुंबई में भी मनाई गई पटेल जयंती, फडणवीस ने दिलाई एकता की शपथ। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में 1.25 लाख में पत्नी ने दी पति के कत्ल की सुपारी, पति समेत 4 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत, खेत में काम कर रहे थे मजदूर। मराठवाड़ा में बरसात की वजह से बर्बाद हो गई फसल का मुआयना करने जाएंगे शरद पवार, 6 नवंबर से परभणी का दौरा शुरू करेंगे। सायन के 26 साल के युवक की कस्टोडियल डेथ के केस में जांच की मांग को लेकर महाराष्ट्र मानवाधिकार कमीशन से मिले एनसीपी नेता, जिम्मेदार पुलिस वालों पर कड़ा एक्शन लिए जाने की मांग की। विजय सिंह नाम का युवक को मारपीट के मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी पुलिस कस्टडी में, मौत के बाद 5 आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके। 1 नवंबर से लागू होगी बचत खाते में एसबीआई की घटी हुई ब्याज दर, 1 लाख तक की जमा पर 3.5 की जगह मिलेगा 3.25% ब्याज। 77 अंकों की बढ़त के साथ 40,129 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 33 अंक बढ़कर 11,877 पर बंद। ₹190 बढ़कर 39,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव, चांदी भी ₹190 बढ़कर 47,690 रुपए प्रति किलो। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार की नई योजना, 100 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान। अमिताभ बच्चन के दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय की मैनेजर के अर्चना को बचाकर हीरो बने शाहरुख खान, अर्चना के लहंगे ने पकड़ ली थी। शाहरुख खान के इस काम के सोशल मीडिया पर खूब हो रही है तारीफ, सलमान ने भी शेयर किया शाहरुख का अपनी आवाज में वाहवाही करता हुआ एक वीडियो। संजय भंसाली की फिल्म बैजू बावरा में प्रियंका चोपड़ा हो सकती फीमेल लीड, रणवीर सिंह के बैजू बावरा का रोल करने की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। शिवसेना विधायक दल की बैठक में उद्धव ने अपने विधायकों को साफ कहा कि जो तय हुआ उससे न कम न उससे ज्यादा कुछ मंजूर होगा। इस बीच पार्टी ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता भी चुन लिया है, वहीं शरद पवार से संजय राउत ने भी मुलाकात की। महाराष्ट्र का जनादेश सामने आए 7 दिन हो गए, लेकिन सत्ता का संग्राम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। गजब की खींचतान चल रही है सत्ता के 2 संभावित साझेदारों में, एक कदम आगे नहीं बढ़ता कि 2 कदम पीछे हटने लगते हैं। 50-50 का फॉर्मूला जो चुनाव से पहले तय हुआ था, मुख्यमंत्री ने भी कबूला है, आपने देखा होगा उनकी वीडियो में, हम नहीं पीछे हटे हैं। अगर पीछे हटे हैं अपने वादे और वायदे से तो हमारा मित्र पक्ष है, तो हम तो हमारी मांग है, मांग के साथ आगे जाएंगे। ये शिवसेना का नया अंदाज है, लग रहा था कि सत्ता का गणित सुलझा लिया गया है,
कि उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से ललकारने पर उतर आई। समझौते और सुलह की भाषा गायब हो गई। आज शिवसेना विधायक दल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने ताल ठोकने के अंदाज में कहा, शिवसेना से बातचीत फाइनल नहीं हुई है, जो तय हुआ था उससे कम ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर फडणवीस सच बोल रहे हैं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तो उद्धव ठाकरे ने तेवर सख्त कर लिए हैं। कल देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रिया भरा पैगाम भेजा था, आज शिवसेना ने लौटती डाक से अपना मंसूबा बीजेपी को बता दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार पर पेच फिर से फंस गया है। 105 विधायक दल का विधायकों का समर्थन से मुख्यमंत्री पद मिलता है तो मुझे एक बार संविधान की किताब देखनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 50-50 के फॉर्मूले पर कतई राजी नहीं। ढाई ढाई साल के सीएम का प्रस्ताव बीजेपी ने नामंजूर कर दिया है। बीजेपी पसंद का मंत्रालय भी देने को तैयार नहीं, सिर्फ डिप्टी सीएम पद पर रजामंदी है। लेकिन सवाल ये भी है कि खुद शिवसेना डिप्टी सीएम पद को लेकर क्या राय रखती है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना है। ये मान लिया जाए कि अभी शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ दिया है। शिंदे साहब देखिए, इसके बारे में जो भी निर्णय लेना है, जो भी तय करना है सत्ता बनाने के लिए, उसके पूरे अधिकार हम सब विधायकों ने उद्धव ठाकरे जी को दिए है। तो बड़ा सवाल यही उभर कर आ रहा है कि फिर नई सरकार में आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका होगी। आज तक ब्यूरो। संजय राउत से मीटिंग के बाद शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अलग से मुलाकात हुई। बैठक से बाहर आने के बाद विधायक धनंजय मुंडे से खास बात की संवाददाता पंकज उपाध्याय ने। सीपी के गठबंधन को विपक्ष की जिम्मेदारी मैंडेट के आई हुई है तो हम विपक्ष में बैठने वाले हैं। संजय राउत शरद पवार जी से मिले हैं शाम को। ये ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। जहां तक कहा है मुलाकात हुई है। उन्होंने जो कहा वो आप सही मानेंगे या और राजनीतिक माहौल में ऐसी मुलाकात करना क्या समझा जाए? देखिए, ये उस समझने को आप कुछ भी समझ निकाल सकते हैं, आप मीडिया हो। ऐसा है कि राउत साहब की और पवार साहब की बहुत अच्छे से पहले से बहुत अच्छे संबंध है। वो कोई चुनाव के नतीजे के बाद या चुनाव के पहले मिले तो इसका कोई विषय निकालना ज़रूरी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आज मेरी जानकारी में आज के दिन में मुलाकात हुई नहीं हुई इस बारे में मैं नहीं जान सकता, लेकिन हम विपक्ष में बैठने वाले हैं ये निश्चित है। इसमें और क्या एक सेक्शन है एनसीपी के अंदर जिसको लगता है कि शिवसेना को समर्थन नहीं? देखिए, मैंने आपको बोला कि मैं 3 क्वेश्चन को आपको आंसर करूंगा। कहीं भी कोई सेक्शन नहीं है, ना एनसीपी का 1 या 2, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। पवार साहब ने और सब ने कहा है कि हमें विपक्ष का मैंडेट मिला है, हम विपक्ष में बैठे। एनसीपी इज गोइंग टू सिट इन द ऑपोजिशन, दैट इज द नाउ वी हैव टू फर्स्ट सी दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी फॉर्म और नॉट। अगर शिवसेना प्रपोजल लेके आती है आपसे समर्थन मांगती फिर भी? देखिए, हमने जो बोला है कि हमें विपक्ष का मैंडेट मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन प्रवीण पाठक के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। शिवसेना के आज सारे चुने हुए विधायक राज्यपाल से मिले। वजह बताई गई राज्यपाल से किसानों की मदद की अपील करना, पर हैरानी की बात यह है अगर मुद्दा यही था तो उसके लिए राज्यपाल के सामने शिवसेना के 56 विधायकों के जाने की क्या जरूरत थी। राज्यपाल से मिलने के बाद बाहर निकलकर आए शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे से बात की संवाददाता पंकज उपाध्याय ने। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता जो देख रही है चुनावी उठक पटक जो हो रही है, राजनीतिक उठक पटक जो हो रही है, सवाल यही है कि सरकार फॉर्मेशन का ये डेडलॉक है, ये आखिर रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी सरकार फॉर्मेशन से पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए किसानों को। जो नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, जो बेमौसम जो बारिश हुई है, काफ़ी बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। ऐसे समय पर किसानों के साथ खड़ा होना ये हमारा फर्ज है और इसलिए हम लोग आज राज्यपाल महोदय जी से मिले हैं आदित्य जी के साथ में, और उनको उनसे गुजारिश की है, उनसे विनती की है कि आप इंटरवेंशन कीजिए और तत्काल जो किसान है आज संकट में है,
किसान चिंता में है, उनको राहत देने की आवश्यकता है और पूरी यंत्रणा उनके साथ खड़ी होने की आवश्यक करने की आवश्यकता है। और राज्यपाल महोदय जी ने भी आश्वस्त किया है, जो कमेटी है, जो टीम है, उन्हें बुलाएंगे और किसानों को जितना भी सहयोग करना है निश्चित रूप से। ये मुद्दा तो अपनी तरफ ला, लेकिन ये बात भी है, देखिए सुनिए, मेरा सवाल सुनिए सर। प्रीपोल अलायंस था भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का, पब्लिक ने अपना मैंडेट भी दे दिया है, बावजूद इसके आप लोग डिले कर रहे हैं, ये तो डिसरिस्पेक्ट हो गया ना मैंडेट के साथ। देखिए इस के बारे में, देखो शिवसेना पार्टी जो है अनुशासन से चलती है और हमारे पार्टी के प्रमुख है उद्धव ठाकरे साहब। सरकार बनाने का जो निर्णय है वो पूरा अधिकार उद्धव ठाकरे साहब का है, वो बात करेंगे, योग्य समय पर उचित निर्णय लेंगे। 24 तारीख को उद्धव जी ने कहा था 50-50 फॉर्मूला चाहिए, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया मुख्यमंत्री वही बनेंगे। खबर ये भी आ रही है कि जो प्लम पोर्टफोलियो है वो भी नहीं मिलने वाले, शिवसेना आखिर अपनी भूमिका स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए जनता ने जो मैंडेट दिया है उसे रिस्पेक्ट करने वाली पार्टी शिवसेना है और उद्धव साहब ने जो भी कहा है वो मीडिया के सामने कहा है, जो लोकसभा के समय कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अमित शाह साहब ने कहा था, उद्धव जी भी वहाँ थे, तो वो उद्धव साहब ने जो कहा है वो आपके सामने है। और निश्चित रूप से इस बारे में ये जो निर्णय है वो उद्धव साहब लेंगे। तो डेडलॉक, जनता बस यही जानना चाहती है डेडलॉक आखिर खत्म कब होगा? अभी खत्म होगा, समय पे खत्म होगा। कोई समय सीमा नहीं दे सकती है शिवसेना? नहीं, देखिए अभी तो उसका निर्णय होगा ना। अभी देखिए शिवसेना ने प्रायोरिटी किसको दी है? किसानों को जो तकलीफ है, किसानों का नुकसान, इसी पे मेरा सवाल है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है, देवेंद्र फडणवीस पे विश्वास नहीं है, आप लोग खुद आए? विश्वास की बात नहीं है, यहाँ पर आज चुनाव हो चुके हैं, अभी चुनाव हो चुके हैं और राज्यपाल महोदय इस राज्य के प्रमुख है और उन्होंने इस जो आज नुकसान हुआ है किसानों का, इसमें इंटरवेंशन की आवश्यकता है, उन्होंने भी गंभीरता से लिया है, उन्होंने हमें खुद कहा है। सवाल मेरा आपसे है, आज आप उद्धव ठाकरे जी से मिले, क्या तमाम इलेक्टेड एमएलएज ने क्या कहा है, 50-50 पे ही रहें, अडिग रहें या फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखी जाएगी? इसके बारे में पूरा अधिकार, मैं फिर एक बार कहूँगा, हम लोग पार्टी के वर्कर है और पार्टी के वर्कर पार्टी के जो चीफ है उनके आदेश के अनुसार हम लोग चलते हैं और आदेश वो, देखो शिवसेना जनता के साथ है, महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार में हो या ना हो हमेशा जनता के साथ रही है, सरकार में होने के बावजूद भी जब जनता तकलीफ में है तो जनता के साथ रही। लीडर चुने गए हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं पार्टी लीडर मुझे किसने बनाया? उद्धव ठाकरे साहब ने बनाया, तो उनका निर्णय वो मेरे लिए अंतिम है। सोच आपको क्या लगता है कब तक ये रिजॉल्व हो जाएगा? वो जल्द से हो जाएगा, जल्द से हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण पाटिल के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। पुणे में एक पत्नी पर अपनी ही पति के हत्या का सुपारी देने का मामला लगा है। पुलिस का कहना है कि मृतक पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था और आए दिन दोनों में अनबन रहती थी। आरोपी पत्नी ने अपने साथ काम करने वाले शख्स और उसके दो साथियों को इस मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। पुणे के पिंपरी चिंचपड़ का रहने वाला येशुदास अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था, शराब के लिए उससे पैसे मांगता था और लड़ाई झगड़ा करता था। अब येशुदास के कत्ल के आरोप में उसकी 39 साल की पत्नी उर्सुला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी के साथ उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उर्सुला एक स्कूल बस एजेंसी की मैनेजर है। जो उन्होंने जवाब दिया था वो जवाब और उनका बर्ताव, उसमें तफावत आने की वजह से, डिफरेंस आने की वजह से उसको और भरोसे में लेके महिला पुलिस के जरिए वो तफ्तीश की गई, उसमें उन्होंने ये गुनाह का अंजाम देने की कबूली दी। पुलिस के मुताबिक उर्सुला ने पति येशुदास के कत्ल के लिए 1,30,000 रुपए की सुपारी दी थी। उर्सुला ने अपने एक साथी स्कूल बस ड्राइवर भावराव से अपनी पति की शिकायत की थी। भावराव ने अपने दो करीबियों के साथ उर्सुला के पति की हत्या का प्लान बनाया। सुपारी के पैसे 1,30,000 तय किए गए, अंजाम देने के पहले ये महिला ने भावराव राम आर्य के जरिए 7,000 रुपए एडवांस दे दिए। कल अंजाम देने के बाद दोपहर 12 बजे 2,500 उन्होंने उनको पेड कर दिया। आरोपियों ने येशुदास को उसके घर में ही धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया। फिर आरोपी पत्नी उर्सुला ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस जब घटना स्थल पर तफ्तीश के लिए पहुंची, तो उसे शक हुआ कि येशुदास की हत्या के पीछे पत्नी का हाथ हो सकता है। जांच के बाद उर्सुला को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे से समीर शेख के साथ आज तक ब्यूरो।